हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे इस चैनल को। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा सैमसंग कंपनी के यहाँ पे जो कि बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट निकले हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इसके लिए मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन लोग यहाँ पर एलिजिबल करता है इस जॉब के लिए और क्या क्या पोस्ट निकला हुआ है, यहाँ पर सब डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहले इस पेज में आपको आना होगा अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस लिंक को। तो दोस्तों, इस लिंक को आपको क्लिक करके इस पेज में आना होगा। इस पेज में आने के बाद आप लोग यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं या फिल्टर ऑप्शन में जाके आप जो कि यहाँ पे आप फिल्टर में जाके आपका लोकेशन, कंट्री, लोकेशन, जॉब कैटेगरी कौन सा जॉब कैटेगरी से आप जॉब सर्च करना चाहते हैं, जॉब टाइप फुल टाइम या पार्ट टाइम जॉब, कौन सा जॉब आप के लिए अप्रोप्रिएट होगा, सब कुछ यहाँ पे देने के बाद आप यहाँ पे जो कि यहाँ पे आपको सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद आपको क्या करना, सर्च करने के बाद आप जिस भी कंट्री के लिए आप जॉब ढूंढ रहे हैं यहाँ पे उसी कंट्री के लिए जो जॉब जो जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है जॉब यहाँ पे चला आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग सभी जानते हैं सैमसंग ऑल वर्ल्ड में इसका जो प्रोडक्ट आता है, तो यहाँ पे सैमसंग ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका कंपनी है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे फिल्टर करना होगा आप कौन सा कंट्री के लिए यहाँ पे आप जॉब ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं फ़िलहाल यहाँ पे इंडिया जो कि कर रहा हूँ, इंडिया में यहाँ पे जो जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है, फास्ट जो पोस्ट हुआ है 7 डेज पहले, एसोसिएट इंटरनल ऑडिट डिज़ाइन मैनेजर, डिप्यूटी मैनेजर सर्विस मैनेजमेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर एरिया सेल UX डिज़ाइन। तो दोस्तों, यहाँ पे फास्ट जो पोस्ट है एसोसिएट इंटरनल ऑडिट, इसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह से इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको अप्लाई बटन जो है यहाँ पे आपको अप्लाई में क्लिक करना हो, उसके पहले मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि जो कि क्वालिफिकेशन है यहाँ पे कोई भी एनी ग्रेजुएट विथ 60% मार्क्स। तो यहाँ पे अगर आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस में अगर 60% मार्क्स आप कर चुके हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई बटन जो है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक छोटा सा फॉर्म आएगा जिस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो CV है आपको यहाँ पे आपका CV देना होगा। अपलोड इधर डॉक्यूमेंट डॉक DOCX ड्रॉप फाइल है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो रिज्यूम है आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। उसके बाद ये जो एप्लीकेशन है सबमिट करना होगा। उसके बाद आपको छोटा एक फॉर्म जो कि देना होगा, आपको एक छोटा फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। जिस फॉर्म में आपको आपका जो एजुकेशनल डिटेल्स, उसके साथ साथ आपका एड्रेस डिटेल्स, आपका ईमेल एड्रेस, उसके साथ साथ आपका मोबाइल नंबर, सब कुछ यहाँ पे देना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना। उसके बाद आपका ये जो पोस्ट है उसके लिए आपका जो एप्लीकेशन वो सबमिट हो जाएगा। इस तरह से जो कि आप कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो जो पोस्ट निकला हुआ है आप सेम तरीका फॉलो करके कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो अदर कंट्री के लिए अप्लाई करना है तो आप सर्च बटन में जाके आप कोई भी कंट्री के नेम वहाँ पे लिख के आप लोग ढूंढ सकते हैं कि उस कंट्री में अगर कोई भी रिसेंटली पोस्ट हुआ है तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से जो कि सैमसंग में जो जो रिसेंटली पोस्ट हो रहा है जो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप ग्रेजुएशन जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन के बाद आप जो किसी भी पोजीशन एंड किसी भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल कर सकते हो। तो जो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग इस सैमसंग कंपनी के जो जो रिसेंटली पोस्ट आ रहा है आप लोग यहाँ पे अप्लाई करें, उसके बाद इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो, उसके बाद इंटरव्यू अच्छे से देना, उसके बाद आपका जो ये जॉब है आप जो लोगों को मिल जाए। इस तरह से आपको जो कि सैमसंग में आपको काम मिल जाएगा। तो दोस्तों, सैमसंग में काम अप्लाई जो कि पोस्ट के अप्लाई करने के लिए इस सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा। तो इसके साथ साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरा जो कि फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पेज नीचे दिया हुआ है एंड कमेंट करके भी आप लोग पूछ सकते हैं कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो।
तो दोस्तों इस तरह से आपको फिलअप करना होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे इस चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।